हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे गीगाबाइट के B365M DS3H मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, वैसे तो मदरबोर्ड अब थोड़ा पुराना हो गया है, 8th और 9th जिन को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया, उन्होंने कहा कि ज़रा हमें गीगाबाइट B365M DS3H के बारे में बताएं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं इस पर। तो यहाँ पे जो है बेसिक जानकारी दी गई है, तो यहाँ पे मैंने इसकी इमेज खोल रखी है। ठीक है, तो थोड़ा हमें पता चल जाएगा, मतलब दिख जाएंगी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे VRM दिख रहा है इसका, और कौन सी IC इस्तेमाल करी गई है, कौन सा MOSFET है, वो तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी देखने से। जैसे कि अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ पे 6 चोक्स हैं, यानी कि 6 चोक्स हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 हैं MOSFET और यहाँ पे 3-3 हैं। तो ये जो 3-3 वाले हैं, ये एक सिंगल फेस है, ये एक सिंगल फेस है, और फेस डबलर जैसा तो कुछ है नहीं। तो आई गेस ये सिंगल फेस है, ये सिंगल फेस है, और ये जो दो फेस हैं, ये दो फेस जो हैं, ये दो फेस, ये दो फेस जो हैं जा रहे हैं SoC को, सिस्टम ऑन चिप को। यहाँ पे मुझे बीच में एक छोटी सी चिप और दिखाई दी है, तो ज़रा मैं इस पर नज़र डालना चाहूँगा, लेकिन धुंधला हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई और IC लगी है जो कि सिंगल फेस को दो फेस में डिवाइड कर रही है, लेकिन पता नहीं। ठीक है, तो अगर कर भी रही है तो ये जो है सिस्टम ऑन चिप को जा रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ ऐसा ख़ास देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा है VRM कंट्रोलर, यहाँ से कंट्रोल होता है, इसको आप PWM कंट्रोलर भी कह सकते हैं। तो ये वही है, PWM कंट्रोलर है। ज़रा मार्किंग कर देते हैं PWM कंट्रोलर पे भी, है ना। तो ये हमारा PWM कंट्रोलर है यहाँ पे। ठीक है, ये PWM कंट्रोलर है, ये वाले SoC को जा रहे हैं, और जो रेड से हैं ये सारे प्रोसेसर को पावर देंगे। ठीक है, सब के सब। तो फोर फेज जो हैं प्रोसेसर को अगर पावर देंगे, सो आई गेस कि एक 65 वॉट तक की TDP वाला प्रोसेसर इस मदरबोर्ड के संग बढ़िया तरीके से काम कर लेगा, मतलब ठीक ठाक। अगर ओवरक्लॉकिंग वगैरह कुछ करनी नहीं है, जो कि इस पे पॉसिबल भी नहीं है, तो आई थिंक 65 वॉट की TDP वाला प्रोसेसर जो है चल जाएगा। अब 65 वॉट की TDP पे कौन सा प्रोसेसर आता है, तो 65 वॉट की TDP पे जो प्रोसेसर अवेलेबल है, सबसे मतलब पावरफुल प्रोसेसर, वो है i7 का। और भी i7 के प्रोसेसर अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने खोल के रखा है वो है 9700F। अब इसके कुछ अदर जो मॉडल हैं i7 9700 के, वो भी चल जाएंगे उस पर। के सीरीज़ का प्रोसेसर चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो ओवरक्लॉक होगा नहीं। तो यहाँ पे जो TDP बताई गई है वो है 65 वॉट की, और यहाँ पे मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बूस्ट क्लॉक है वो है 4.7 GHz। अब जब ये बूस्ट होगा तो ये 65 वॉट की TDP के अबव भी जाएगा, यानी कि 75 ऐसे टच करेगा ये। बट आई थिंक कि ये जो मदरबोर्ड है ये संभाल लेगा उसको भी। तो इसका VRM कोई बहुत अच्छा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक तो हीट सिंक नहीं लगा है इसके ऊपर, तो ये कुछ ऐसा मुझे पसंद नहीं आया। एक हीट सिंक लगा देते तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाता, इनका क्या चला जाता। नहीं लगाया तो नहीं लगाया, तो इस पर हीट सिंक नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बाकी VRM जो है 65 वॉट तक की TDP के प्रोसेसर को हम कह सकते हैं कि संभाल लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमें एक कनेक्टर दिया गया है। ठीक है, और ये कनेक्टर जो है SATA आप लगा लेंगे, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, ज़रा मैं सर्च कर लेता हूँ किस बात पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो M की और B की को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, अभी आपको बताता हूँ M की और B की क्या होती है। तो ज़रा मैं देख लेता हूँ, ज़रा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो
अगर काली पट्टी इधर होती है, मतलब जो होल होता है, अगर इस साइड होता है तो M की होती है, लेफ्ट साइड होता है तो B की होती है। तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड है लेकिन ये उस तरफ से लगा हुआ है, तो ये M की होनी चाहिए। और M की में आप जो है, अगर मैं आपको बताता हूँ क्या, ये जो आप काला काला देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड लगा हुआ है, मतलब कि इस साइड से ये लेफ्ट है, अगर हम बोर्ड को घुमा देंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। तो आई थिंक ये M की है। M की में आप M.2 और NVMe दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये काला वाला होल इधर होता तो ये B की होती, फिर उसमें M.2 लगती, ठीक है। तो NVMe दोनों में लग जाती, मतलब M.2 दोनों में लग जाती है, M.2 वाले स्लॉट में भी लग जाती है और NVMe वाले में भी लग जाती है, लेकिन NVMe जो है वो खाली अपने में ही लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं जो M.2 है, खाली M.2, वो जो है उसमें दो होल्स कटे हुए हैं, मतलब कि दो जगह से कटिंग है, तो वो दोनों स्लॉट के संग कंपैटिबल है। लेकिन जो NVMe SSD है, जो तेज़ वाली है, वो खाली M की के संग ही कंपैटिबल है। तो ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है अगर आप SSD बाय कर रहे हैं तो। तो ये M की, B की, M.2, M.2 NVMe पे मैं एक बार बहुत पहले सोच रहा था वीडियो बनाने की, किस पे, इस विषय पे वीडियो बनाएं, लेकिन फिर समय मिल नहीं पाया तो, और फिर दिमाग से निकल भी गया, लेकिन अभी याद आया इस स्लॉट को देख के कि यार ये वाला वीडियो बनाने वाला था मैं, लेकिन मैंने बनाया नहीं। तो ज़रा इसको स्केल टू फिट करते हैं हम, फिट टू स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, और ज़रा एक नज़र यहाँ डालते हैं, यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपको दो बायोस आईसी मिल रही हैं, दो बायोस आईसी। तो एक आप बैकअप के तौर पे यहाँ पे है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर बायोस में कोई एरर आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो हम स्वैप कर सकते हैं आईसी को। कभी-कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि पीसी कुछ देर में बंद हो रहा होता है या बायोस से रिलेटेड कुछ इशू हो जाते हैं, तो ये वाली उठा के, अगर इसमें बायोस, इसमें बैकअप स्टोर है अगर, तो बैकअप वाली आईसी को हम यहाँ पे लगा देंगे निकाल के, मतलब SMD सोल्डरिंग स्टेशन से निकालनी पड़ेगी, और ये वाली उठा के यहाँ लगा देंगे तो हमारा मदरबोर्ड चलने लगेगा, बैकअप रहेगा अगर बायोस का, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी हो सकता है बायोस के थ्रू भी बैकअप लिया जा सकता हो, लेकिन अगर बायोस करप्ट हो गया है, बोर्ड ही नहीं खुल रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें भी की जा सकती हैं। नहीं तो प्रोग्रामर में आईसी डालनी पड़ती है, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो प्रोग्रामर में डाल के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से बायोस की जो दिक्कतें होती हैं वो रिपेयर की जाती हैं प्रोग्रामर में डाल के। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बायोस अगर करप्ट हो जाए तो बोर्ड डेड हो जाता है, ये बात बाय डेफिनेशन सही है। CompTIA प्लस के एग्ज़ाम में भी यही पढ़ाया जाता है कि अगर बायोस अगर करप्ट हो गया या पावर कट हो गया, लाइट चली गई बायोस अपडेट करते वक्त, तो मदरबोर्ड जो है डेड हो चुका है। लेकिन प्रैक्टिकली ये ट्रुथ नहीं होता है, प्रोग्रामर जैसी चीज़ आती है तो बायोस को यहाँ से निकाल के प्रोग्रामर में फाइल डाल के फिर से मदरबोर्ड में जान डाली जा सकती है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मदरबोर्ड में मुझे और अच्छी लगी, वो ये है कि यहाँ पे सेटा पोर्ट दिए गए हैं, सेटा पोर्ट जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप कोई बहुत लंबा ग्राफिक्स कार्ड लगा दें, यानी कि दो फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड आपका इस PCI स्लॉट में लगेगा, तो वो यहाँ से कवर करेगा पूरा, यहाँ तक मान लीजिए कवर करेगा, तो ये दो सेटा पोर्ट भी कवर कर लेगा। तो अगर ऐसे में सारे सेटा पोर्ट यहाँ पे होते तो आपको जो है दूसरी मैकेनिकल ड्राइव से या कुछ और चीज़ें जो कि सेटा पोर्ट में जाती हैं, कनेक्ट करने में दिक्कत होती, लेकिन अब क्योंकि ये पावर प्लग के बगल में ही है, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे सब कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सब कुछ तो लगभग जो कुछ चीज़ें थी जान ली हैं हमने इस बोर्ड के बारे में। अब ज़रा वेबसाइट पे चलते हैं, अब वेबसाइट पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया जाता है, न्यू हाइब्रिड डिजिटल PVM डिज़ाइन, जैसे पता नहीं कौन सी अनोखी चीज़ लगा दी है, हाई क्वालिटी ऑडियो कैपेसिटर एंड ऑडियो नॉइस गार्ड, नॉइस गार्ड बताया है रजिस्टर लगा देंगे या कैपेसिटर लगा देंगे, उसको नॉइस गार्ड बताएंगे, विद LED ट्रेस पाथ लाइटनिंग। तो
तो यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट M.2, तो यहाँ पे खाली M.2 लिखा है, लेकिन M.2 यहाँ पे खाली क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये M की होनी चाहिए यहाँ पे, अगर ये इस साइड से कट आउट दिया गया है और ये उस डायरेक्शन में है तो ये NVMe भी सपोर्ट करनी चाहिए एंड NVMe का सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाली M.2 बताया गया है, लेकिन ये M की है ना कि B की है। तो एक बार आप रिसर्च अपनी तरफ से भी कर लीजिएगा अगर इस बोर्ड को आप ख़रीद रहे हैं M की और B की को लेके, ठीक है। तो ज़रा और चीज़ें देख लेते हैं, अल्ट्रा ड्यूरेबल, तो अल्ट्रा ड्यूरेबल पे मुझे लगा कि VRM के बारे में कुछ लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है फ्रंट साइड यहाँ पे इस बारे में बताया गया है कि ये कितने इसके जो पोर्ट हैं वो मज़बूत कितने हैं, और ड्यूल बायोस के बारे में बताया गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट सल्फराइजेशन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कुछ क्रोजन को लेके बताया गया है कि ये दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्रोजन जमने पे जो है रजिस्टर जो है डिसकनेक्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन इन्होंने दिया है। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। RGB फ्यूजन मोड, तो बोर्ड में RGB है क्या? बोर्ड में मेरे ख्याल से नहीं है, ये कनेक्टर में होगी। आप प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि जो उनका सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जो है RGB, अगर आप लाइट वगैरह लगाते हैं बोर्ड के अंदर, मतलब कनेक्ट करते हैं, तो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे इनके सॉफ्टवेयर से। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी ओवरऑल बेसिक बोर्ड है। तो अब इसके बारे में ज़्यादा बात क्या करें, बेसिक बोर्ड है तो एक बार ज़्यादा देख लेते हैं। पावर कनेक्टर कह रहा हूँ, बैक पैनल देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको USB मिल जाते हैं, USB कौन से मिलते हैं, स्पेक्स में देख लेते हैं एक बार, स्पेसिफिकेशन में। मेमोरी आप लगा सकते हैं 266 मेगाहर्ट्ज़ तक की, क्योंकि पुराना मदरबोर्ड है और इंटेल की पहले वाली जनरेशन है, तो मेमोरी सपोर्ट तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लैन इन्होंने रियल टेक दिया है, इंटेल नहीं दिया है, तो रियल टेक है लेकिन बेसिक बोर्ड है तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे 6X USB 3.1 Gen 1 पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको, 4 पोर्ट आपको बैक पैनल पर मिलते हैं, 2 पोर्ट्स अवेलेबल थ्रू इंटरनल USB हेडर, तो USB हेडर के थ्रू जो है 2 अवेलेबल हैं, बाकी 2.1 के भी मिल जाते हैं, 2 बैक पैनल पे हैं, 4 अवेलेबल हैं USB हेडर के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई इसकी, बाकी फ्रंट पैनल ऑडियो हेडर, फ्रंट पैनल हेडर, सेटा 6 Gbps कनेक्टर, M.2 सॉकेट 3 कनेक्टर, सीरियल पोर्ट हेडर, पैरेलल पोर्ट हेडर, क्लियर CMOS जम्पर, ठीक है। सब बेसिक चीज़ें हो गई। IO कंट्रोलर, मॉनिटरिंग, फैन फेलर, ठीक है। सब बेसिक चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। ITE कंट्रोलर चिप, तो ITE कंट्रोलर चिप लगी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वैसे कोई इस मदरबोर्ड को नया ख़रीदेगा तो नहीं, क्योंकि लोग जाएंगे 10th जनरेशन की तरफ या 11th जनरेशन की तरफ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं इस बोर्ड को रिकमेंड करता, अगर ये बोर्ड के बारे में मतलब आज से 2 साल पहले बात हो रही होती, तो मैं इसकी जगह आपको, यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हैं, प्राइसिंग मेरे ख्याल से सही नहीं होगी इस पे, यानी कि हो सकता है आपको ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल जाए, तो मैं आपको इसकी जगह रिकमेंड करता अगर आप मुझसे पूछते, ये वाला B365 Pro 4 ASRock का। इस पे आप देख सकते हैं हीट सिंक लगा हुआ है, और अब इस पे मैंने ऐसी कोई रिसर्च करी तो नहीं है, रिसर्च तो इस पे भी नहीं करी थी, आपके सामने ही करी जो करी, लेकिन यहाँ पे ज़रा करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ दिख तो रहा नहीं है क्योंकि एक बड़ा सा हीट सिंक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 चोक्स इधर हैं और 4 चोक्स इधर हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4, 4 यानी कि 8 चोक्स हो गई, अगर 2 SOC को जा रही होंगी, यानी कि 6 चोक्स, यानी कि 6 पावर स्टेजेस जो हैं रिज़र्व होंगी इसके वी कोर के लिए, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, वी कोर को 6 पावर स्टेजेस जाएंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और तो मैं इसकी जगह यही रिकमेंड करता, और इसके ऊपर मैंने ऐसी कोई ख़ास रिसर्च करी नहीं है कि ये मदरबोर्ड कैसा है, लेकिन मुझे पता है कि ये उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत इस पर देखा था, इस बोर्ड को देखा था, तो मुझे ये बोर्ड सही लगा था, बढ़िया लगा था। और अभी फ़िलहाल जो प्राइसिंग यहाँ पर है उस हिसाब से तो ये सस्ता भी है और ये अच्छा भी है, अगर
इस प्राइसिंग पे अगर दोनों जो प्राइस इस पे पड़ा है अगर इसी पे बोर्ड मिल रहे हैं तब तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।